नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पेरिस समझौते में शामिल होने के लिए अमेरिका ने रखी मांग, कहा समझौतों की शर्तों में बढ़ती जाए नरमी, नहीं तो अमेरिका रहेगा बाहर। डोनाल्ड ट्रंप ने जून में खुद को समझौते से किया था अलग। अमेरिका की उत्तर कोरिया को बड़ी चेतावनी, कहा अगर नहीं रोका मिसाइल अभियान तो नष्ट हो जाएगा उत्तर कोरिया। प्योंगयांग को काबू करने के तरीके खोजने के बीच डोनाल्ड ट्रंप कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी करेंगे संबोधित। इराक रूस के बीच 13 साल बाद वायु सेवा बहाल, इराकी अधिकारियों ने कहा रूसी नागरिक सुरक्षित रूप से कर सकते हैं इराक की यात्रा। अरब देशों में अमेरिकी नेतृत्व के आक्रमण के बाद 2004 से दोनों देशों के बीच निलंबित थी उड़ान सेवा। नवाज की पत्नी कुलसुम ने जीता लाहौर उपचुनाव, कहा जनता की कोर्ट में SC का फैसला खारिज, नवाज शरीफ आज भी प्रधानमंत्री। और इराक में IS आतंकियों पर सेना की बड़ी कार्रवाई, हवाई हमलों में 300 आतंकी ढेर, सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया था हमला। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।